सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 15, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसका एक एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 15.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे उसके आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, 15.2, टॉपिक नंबर 15.2, पेज नंबर 240, क्लास 8 मैथ्स, लीनियर ग्राफ्स। देखिए, एक लाइन ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स को, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स हैं, जब उनको हम ज्वाइन कर देते हैं एक साथ तो जो ग्राफ हमें मिलता है उसको हम लाइन ग्राफ बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर पिछली एक्सरसाइज में जो ग्राफ्स देखे थे ना, ये सारे लाइन ग्राफ थे, है ना। ये इतने सारे हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, ये सारे के सारे लाइन ग्राफ्स थे जो डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स को कंसेक्यूटिवली जोड़ने पर मिले थे हमें लाइन ग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पर अब हम लीनियर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ कहो या लीनियर ग्राफ कहो, समटाइम्स द ग्राफ मे बी अ होल ब्रोक अनब्रोकन लाइन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्राफ जो हमारा बनता है वो पूरी की पूरी अनब्रोकन लाइन होती है। अनब्रोकन का मतलब कहीं से भी ब्रेक नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे लाइन को, ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। और ऐसी लाइन को बनाने के लिए वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। अब सबके पास, आप लोगों के पास ग्राफ शीट होगी तो उसको, उस पर हम कुछ पॉइंट्स लोकेट करेंगे, फिर उन पॉइंट्स से हम बनाएंगे लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक है हमारा 15.2.1, टॉपिक्स नेम इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बनाते हैं, बताते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो आपने मूवीज में देखा होगा, या अगर किसी को मौका मिला हो कभी हेलीकॉप्टर में बैठने का, तो हेलीकॉप्टर या प्लेन में, तो वहां पे ना कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। आपने मूवीज में अधिकतर देखा होगा, मूवीज या सीरियल्स में, कि जो पायलट होता है वो अपने कोऑर्डिनेट्स बताता है, अपनी लोकेशन बताता है। किसको बताता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, ATC को अपनी लोकेशन बताते हैं। तो वो लोकेशन कैसे बताते हैं? कोऑर्डिनेट्स के थ्रू बताते हैं। तो किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर हमें फाइंड करनी है या डिस्क्राइब करनी है तो वो कैसे की जाती है, उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ये एक टीचर है, इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक पॉइंट लगा दिया, ब्लैक बोर्ड पर इन्होंने एक डॉट लगा दिया, और उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों इस डॉट की पोजीशन क्या है, इस डॉट की लोकेशन को डिस्क्राइब कीजिए। तो बच्चों ने अलग-अलग रिस्पॉन्सेस दिए। जैसे फर्स्ट जो स्टूडेंट थी उसने कहा, मैम ये डॉट ना, दिस डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड, ये डॉट बोर्ड के अपर हाफ में है। मैम ने कहा ओके ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ने बोला, द डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की जो लेफ्ट एज है, एज माने किनारा, ये वाली जो लेफ्ट एज है, ये लेफ्ट वाली एज के पास है ये डॉट। मैम ने कहा ओके। तीसरे स्टूडेंट ने बोला, मैम द डॉट इज वेरी वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, लेफ्ट कॉर्नर जो है बोर्ड का, अपर कॉर्नर, उसके बहुत पास है डॉट। तो मैम ने कहा ओके ठीक है। बट कैन एनी वन ऑफ दीज स्टेटमेंट, ये जो तीन स्टेटमेंट तीन स्टूडेंट्स ने दिए, कि क्या ये डॉट की पोजीशन को फिक्स करते हैं, मतलब क्या ये डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं? तो इसका आंसर नो मैम, होगा नो। नो व्हाई नॉट? क्योंकि ये प्रॉपर आंसर नहीं है, प्रॉपर पोजीशन बता ही नहीं रहे हैं। नियर द एज, अपर इन द अपर हाफ, अपर हाफ में तो कहीं भी हो सकता है ना, तो ये प्रॉपर पोजीशन नहीं बता रहे हैं। तो जॉन जो उनका एक और स्टूडेंट है, उसने एक सजेशन दिया कि मैम ऐसा करते हैं, हम ना लेफ्ट एज जो है, ये जो लेफ्ट वाला किनारा है बोर्ड का, यहाँ से हम डॉट ए का डिस्टेंस देख लेते हैं कि ये डॉट ए लेफ्ट वाले एज से कितना दूर है, ये जो लेफ्ट लाइन है जहाँ से टीचर ने इसे पकड़ा हुआ है बोर्ड को, उससे ये कितना दूर है, इस एज से कितना दूर है। तो उसने मेजर किया और मेजर करके उसने बताया कि बोर्ड के लेफ्ट एज से ये डॉट 90 सेंटीमीटर दूर है। तो क्या आपको लगता है कि जॉन के सजेशन से डॉट ए की जो है पोजीशन पता चली प्रॉपर? क्योंकि 90 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट से, तो ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे डॉट्स आ सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है डॉट 90 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट एज से। ठीक है, तो ये भी पोजीशन अभी भी करेक्ट नहीं है, प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली। तो एक और स्टूडेंट आई, रेखा, उसने कहा, मैम मैं इस स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ, मैं इस डॉट की पोजीशन लेफ्ट एज से और बॉटम एज से, दोनों साइड से बताती हूँ। ये जो लेफ्ट एज है यहाँ से ये डॉट 90 सेंटीमीटर दूर है, और बॉटम वाला जो एज है, नीचे वाला जो एज है, नीचे की किनारी जो है बॉटम की, वहाँ से ये 160 सेंटीमीटर दूर है।
नीचे से 160 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 90 सेंटीमीटर, ये दो पोजीशन उसने बताई डॉट के लिए, मतलब एक पोजीशन बताई, दो डिस्टेंसेस बताए उसने लेफ्ट और बॉटम से, और ये दोनों डिस्टेंसेस जो थे ये एग्जैक्ट पोजीशन बता रहे हैं हमारे डॉट की। आपको बेटा समझ में आया कैसे हम किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं? बोलिए। यस मैम, मैम दो साइड्स की अगर मेजरमेंट लेते हैं तभी आएगा एकदम करेक्ट। हाँ एकदम करेक्ट, तभी आ पाएगा। देखो इसका मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा सकती हूँ। देखो मान लीजिए यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, मैं लाइव करके दिखा रही हूँ आपको। चलो मैंने ये मान लीजिए हमारा बोर्ड है, चलो बोर्ड के लिए एक बोर्ड बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर बोर्ड बना लेते हैं। इसके अंदर ठीक है, ये हमने एक बोर्ड बना लिया। ठीक है, सपोज दिस इज आर बोर्ड। इसको और अच्छी सी आपको फीलिंग देने के लिए कि बोर्ड है, मैं इसको फिल कर देती हूँ। ठीक है, जैसे हमारे स्कूल का बोर्ड होता है वैसा ही से बना देते हैं। हो गया? ठीक है, यस तो मैम, अब ये बन गया हमारा ब्लैक, हमारा जो ग्रीन बोर्ड स्कूल में जैसा होता है बिल्कुल वैसा। और अब मैं इसमें डॉट लगाऊंगी। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही आप जो उन्होंने लोकेशंस बताएंगे ना डॉट को, डॉट की लोकेशन एक्सप्लेन की थी वैसे ही। चलो हमने एक डॉट लगा दिया, मैं डॉट को बना रही हूँ रेड कलर से ताकि इसमें प्रॉपरली आपको विजिबल हो। यहाँ मैंने डॉट लगा दिया ए। तो जो जॉन था, जॉन ने ये कहा था कि मैम ये जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है ना, मैं इस बोर्ड को नेमिंग कर रही हूँ उसके कॉर्नर्स की ए बी सी डी। तो लेफ्ट एज जो है हमारी, लेफ्ट एज है ये वाली एज ए बी, उसने कहा ए बी से ना 90 सेंटीमीटर दूर है ये डॉट। तो ए बी से 90 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ए बी से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये डॉट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ कहीं भी हो सकता है, ए बी से 90 सेंटीमीटर दूर उसने बताया है। ठीक है, समझ में आया? ए बी से 90 यस सेंटीमीटर दूर, मैम, तो ये कहीं भी हो सकता है ऊपर नीचे। फिर जब रेखा ने बताया कि मैम ए बी से तो 90 सेंटीमीटर दूर है और बॉटम वाली जो एज है ना इसकी बी सी, बी सी से 160 है, तो ए बी से 90 और बी सी से 160 आप ऊपर आइए। बी सी से हम 160 ऊपर आ गए और ए बी से 90, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वहां वो मिलेगा एकदम करेक्ट हमारा पॉइंट। डॉट, हमें एग्जैक्ट पोजीशन। बोलो अब समझ में आया कि जॉन्स यस का स्टेटमेंट मैम, इनकम्प्लीट क्यों था? ठीक है, आगे समझ में यस बेटा? मैम, यस यस मैम, मैम, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो लोकेशन हमें समझ में आ गई कि किसी डॉट की लोकेशन, किसी पॉइंट की लोकेशन हम कैसे बताते हैं। देखिए 17वीं सेंचुरी में बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डी डेस्कार्टेस। तो ये जो डी कार्टेस जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कहा कि इट इज सेड नोटिस द, इन्होंने मतलब ये बताया जाता है कि इन्होंने मूवमेंट नोटिस की, एक इंसेक्ट की मूवमेंट नोटिस की जो कॉर्नर पे, सीलिंग के कॉर्नर पर चल रहा था। सीलिंग माने छत जो होती है, अंदर वाली छत को सीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसके कॉर्नर के साइड में, पास में चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि एक प्लेन जो होता है, एक स्ट्रेट प्लेन पेपर जैसे होता है या कोई भी प्लेन हो, सरफेस हो, उस पर कोई पॉइंट हो, तो उसकी पोजीशन हम कैसे डिटरमिन करेंगे? उसको देख, उस इंसेक्ट को देखकर उनको ये आइडिया आया। और उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया, एक सिस्टम बनाया जिसका नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया, उनका जो सरनेम था उससे मिलता जुलता नाम, सिस्टम का नाम रखा गया जिसको हम जानते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखिएगा। जो अब हम पढ़ रहे हैं आगे, जितना भी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में इस चैप्टर में आगे, ये सारा का सारा क्या है? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें कैसे बनता है कार्टेशियन सिस्टम में दो चीजें होती हैं, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन। इन दोनों लाइंस का यूज करके हम एक, किसी एक पॉइंट का लोकेशन फिक्स करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, तो उसको समझाने के लिए यहाँ आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स
क्या होते हैं उसको समझने के लिए मान लीजिए आप एक ऑडिटोरियम में गए, ठीक है। एक ऑडिटोरियम होता है जैसे मूवी का थिएटर होता है ना, उस तरह का एक थिएटर होता है जहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या कोई सपोज कोई सेमिनार चल रहा है, उसकी कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, वहाँ जो उस तरह के जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जैसे अंदर की तरफ बना हुआ है ना, सीटिंग्स हैं, सीट्स हैं अलग अलग बैठने की, तो इस तरह का इमेजिन कीजिए एक ऑडिटोरियम है जहाँ पर आप गए, आपने अपनी जो आपकी सीट रिजर्व है वहाँ पर, उस सीट के लिए आपने सर्च किया। अब आपको दो नंबर्स पता होने चाहिए, एक तो आपको रो नंबर पता होने चाहिए और सीट नंबर पता होने चाहिए। रो नंबर तो आपको पता है, रोज किसे कहते हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो आपको एक तो रो नंबर पता होना चाहिए और आपको सीट नंबर पता होना चाहिए। ये बेसिक मेथड है किसी प्लेन में किसी सरफेस पर एक पॉइंट को फिक्स करने का, ठीक है। जैसे ये जो फिगर है, इस फिगर में देखो, फिगर 15.12 जो है, इसमें आप एक पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, डॉटेड पॉइंट। अगर मैं आपसे इसकी पोजीशन पूछूं तो आप कहोगे, मैम ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना नीचे वाली, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस, ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स ऊपर है, 4 यूनिट्स ऊपर है ये पॉइंट्स। और मैंने कहा अच्छा ठीक है, और वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो आपने कहा मैम वर्टिकल एक्सिस जो है ना, वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सिस, उससे ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है और वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है, ठीक है। नहीं सही बोला है, गलत बोला है, उल्टा कर दिया क्या मैम, समझ नहीं आया। हाँ दोबारा से समझाते हैं, इसको समझाने की बजाय मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये बनाकर ही दिखाती हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, ये रहा ग्राफ पेपर, ऐसा ग्राफ पेपर होगा ना आप लोगों के पास? यस मैम। ठीक है तो चलो बनाते हैं, ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लेन है इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, आप सबसे पहले इसमें बनाइए अपने आप ग्राफ पेपर पे, आप लोग भी बनाइएगा। यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक आप बनाइए वर्टिकल लाइन, चलो इसमें लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, वैसे ये डार्क लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसी पे बना लेते हैं ऊपर, एक वर्टिकल लाइन बनाइए, ठीक है। और ये जो डार्क वाली बीच में ग्रीन लाइन है, इस पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करते हैं लाइन को और लॉन्ग करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन हमने बनाई, ये हॉरिजेंटल लाइन है और अभी जो पहले बनाई थी वो वर्टिकल लाइन है। इन लाइंस को, क्योंकि ये लाइन है तो यहाँ पे एरोज भी होंगे ऑब्वियसली, यानी ये लाइन इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शंस में बढ़ सकती है। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं इसे हम? ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहो, हॉरिजेंटल एक्सिस कहो, हॉरिजेंटल एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ऊपर खड़ी हुई सीधी, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। अभी जब आगे के क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें हम इसे वाई एक्सिस ही कहेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस। सो दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये मान लीजिए यहाँ से एक्स एक्सिस हमारा शुरू हो रहा है, जैसे नंबर लाइन आपने देखी थी ना, आपको याद होगा नंबर लाइन बीच में क्या होता था, जीरो होता था, है ना, बीच में होता था जीरो। तो यहाँ मान लीजिए दो नंबर लाइन आपके पास है, एक ऐसी और एक सीधी, तो एक जीरो तो हॉरिजेंटल एक्सिस का, एक्स एक्सिस का, और दूसरा जीरो वाई एक्सिस का। तो ये जो जीरो जीरो है ये है हमारे ओरिजिन की लोकेशन,
जीरो जीरो, जीरो कॉमा जीरो, आगे वाला एक्स और पीछे वाला वाई। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करते हैं। ये जो एक्सेस है हमारे, जीरो से लेके वन के बाद जो अगला आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना ग्रीन कलर की लाइन, ये हो गया वन। उसके बाद नेक्स्ट टू, देन नेक्स्ट थ्री, देन नेक्स्ट फोर, देन फाइव, देन सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 एंड सो ऑन। इस इतना आप कितने भी बना सकते हैं, कहाँ किसी भी नंबर तक इसे बना सकते हैं। इसी तरह से वाई एक्सिस पे ऊपर देखिए क्या होगा, वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, जहाँ तक भी आप चाहें ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ 10 बनाया तो ऊपर भी 10 ही बनेगा, आप जितना भी इन्हें एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। इधर लेफ्ट में क्या होगा, यहाँ लेफ्ट साइड में, ग्राफ के लेफ्ट साइड में, तो आपको याद होगा जीरो के इस तरफ लेफ्ट साइड में नंबर्स क्या होते थे, बताओ नंबर लाइन पर। नेगेटिव माइनस वन, -1 यस नेगेटिव माइनस वन। यहाँ पर क्या होगा, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। बिल्कुल इसी तरह से वाई एक्सिस में भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर है तो नीचे क्या होगा, यहां पर नेगेटिव, यस यहां पर आपको मिलेगा माइनस वन, माइनस वन, ठीक है, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन। आप आगे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, मैं रैंडमली यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ ब्लू कलर से, ठीक है, मैं एक पॉइंट लगाऊंगी और आप ध्यान से देखेंगे उस पॉइंट को। ये देखिए यहाँ मैंने इस पॉइंट को लोकेट किया है। तो अब अगर मैं आपसे इस पॉइंट की लोकेशन पूछूँ तो आप मुझे बताइए ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है। मैम 3 यूनिट, मैम 4 यूनिट्स, एक्स एक्सिस से कितने यूनिट्स दूर है, देखो तो वन टू थ्री फोर, फोर यूनिट्स दूर है एक्स एक्सिस से, ये 4 यूनिट्स दूर है, ठीक है, और वाई एक्सिस से कितनी दूर यूनिट्स दूर है, वन टू थ्री, थ्री यूनिट्स यूनिट्स। तो जो बेटा वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। यानी आप डायरेक्टली लिखना चाहो अगर इस पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहो, कोऑर्डिनेट का मतलब लोकेशन, ठीक है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका 4। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 3, 4। बोलो समझ में आया सब बच्चों को, यस मैम। यस। अब अगर मैं एक और पॉइंट लगाऊं तो आप मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स बताइएगा, ठीक है, ध्यान से। चलो मैं एक और पॉइंट यहाँ पर पुट, आई एम पुटिंग अनदर पॉइंट, यू हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस दैट पॉइंट। सो आप मुझे इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताइए, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स बताइए। मैम एक्स एक्सिस एक्सिस से तो है ये 7 कोऑर्डिनेट्स दूर, सेवन और नहीं है, सेवन नहीं है, एट है। कोऑर्डिनेट ये मैम 8 यूनिट, आप मुझे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स बताइए, डिस्टेंस नहीं पूछ रही हूँ मैं, आप कोऑर्डिनेट्स बताइए। मैम 8.1, 8.1, नहीं बेटा, पहले 8.1, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, वन, मैम और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, एट, एट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज वन एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एट। अच्छा एक और पॉइंट ले लेते हैं, मैम पहले एक्स का लिखते हैं ना, पहले एक्स का लिखते हैं और एक्स का कोऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना ये वाई से दूर होगा। वाई से जो डिस्टेंस होगा ना इसका, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई का जो वाई से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब इसने एक्स में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो एक्स में इसने 1 डिस्टेंस का, 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया हुआ है इस पॉइंट ने।
तो आप मतलब अगर मैं शॉर्टकट आपको बताऊं, बस आप नीचे वाला नंबर देखो एक्स का कितना है, वन है ना, तो पहले वन आएगा और वाई पे देखो कितना है, एट, तो फिर बाद में एट आ जाएगा, 1,8, इज इट क्लियर? यस मैम, ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, चलो ये वाला पॉइंट बताओ जरा, इसके इसकी लोकेशन बताइए, मैम 2,6, टू कॉमा सिक्स, वेरी गुड। अच्छा आप एक और पॉइंट ले रही हूँ मैं, इसकी इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा, मैम 1,4, मैम 1,4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1,4। एक और पॉइंट लेती हूँ, चलो इसका बताओ, 1,2, 1,2, वेरी गुड। अच्छा एक और पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ ले कहाँ ले कहाँ ले, यहाँ पर ले लेते हैं, आप बताइए मैम 6,7। देखो पॉइंट्स की, डॉट की, या कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताना आ गया आपको, समझ yes, में है ना, किसी yes, भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप बड़े आसान, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कोऑर्डिनेट्स यहीं पर होंगे, अच्छा इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, क्वाड्रेंट का मतलब ये, अगर ध्यान से देखो तो ये जो हमारा पूरा ग्राफ पेपर है ना, उसको ये हमारे एक्सेस चार हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3 और 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव मिलेंगे, अगर मान लो मैं आपसे ये वाला पूछूं तो बताना जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट का नाम मैं पी दे देती हूँ, सपोज पी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए आप मुझे, 2,-3, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, इसके पॉइंट्स बताइए, ये क्यू पॉइंट है, -4,2, शाबाश, पहले x का बताना है फिर y का बताना है, ठीक है, तो -4,2, बहुत बढ़िया, यानी अब आपको कार्टेशियन प्लेन में, अपने जो कार्टेशियन प्लेन आपके पास है उसमें आप कहीं पर भी पॉइंट आपको मिल जाए बड़े आराम से उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है, अब ग्राफ पे जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना सीखते हैं, तो ये तो और भी ज्यादा आसान है, देखो ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, आपको ग्राफ शीट पे इनको प्लॉट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ऐसा ग्राफ पेपर लोगे, और मैं अभी आपको समझाने के लिए अभी जितने भी मैंने पॉइंट्स बनाए ना इनको मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि ये ग्राफ क्लियर हो जाए, इन्हें क्लीन कर दूं मैं, आपको नोट तो नहीं करना था? नो, ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, और अब हम जो पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं हम लोग करें एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, मुझे जरा पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, आप बताइए बेटा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,0, 4,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, 4,2, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, 4,6, डी पॉइंट के, 4,2.5, ठीक है, अब चलो बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ए पॉइंट बनाते हैं, अब इन्होंने तो ए पॉइंट में ही आपको फंसा दिया कैसे फंसा दिया, तो अब देखो 4,0 यानी एक्स 4 और वाई 0, तो एक्स 4 तो ये रहा लेकिन वाई 0 कहाँ होगा, तो y0 का मतलब है ये जो पूरी लाइन है ना x वाली, इस पूरी लाइन पे y0 है भाई, y की वैल्यू तब बढ़ेगी या घटेगी, तब कुछ और वैल्यू तब होगी ना जब थोड़ा सा आप ऊपर या नीचे जाओगे x एक्सिस से, अगर आप x एक्सिस पर ही रहो तो y तो 0 रहा, और y एक्सिस पे ही रहो तो x 0 रहा, यानी y एक्सिस पर x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है, तो अगर आपसे कहा जाए, आपसे बोला जाए कि ढूंढो 4,0 को ढूंढो, तो वो कहां पर होगा, वो पॉइंट होगा यहां पर, नजर आ रहा है आपको, मैं येलो कलर से दिखा देती हूँ, ये रहा, दिस इज 4,0, एक्स 4 एंड वाई 0, बोलो समझ में आया बेटा सभी को, यस मैम, ये जो पॉइंट है ये रहा आपका पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,0, ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट बी,
अच्छा चलो मैं आपसे इस क्वेश्चन से हटके अभी जस्ट एक मिनट के लिए एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे बताना उसके उसकी लोकेशन क्या होगी। ये पॉइंट है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लगाया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो मैंने पॉइंट लगाया है मैम 5.0 मैम 5.1 ये वाला जो पॉइंट है दिस पॉइंट मैम 5.0। अच्छा जानवी कह रही है 5.0, यानी जानवी का मतलब है, कहना चाहती है कि x का 5 और y 0, पर क्या ये y 0 है? ये तो y एक्सिस पर ही पॉइंट बना हुआ है। 0.5 यस एग्जैक्टली ये होगा 0.5, x 0 है और y है 5 आपका। जो लोकेशन है इस पॉइंट की वो कितना है, x 0 एंड y है आपके पास 5 यूनिट्स। इज इट क्लियर जानवी, समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है चलो अभी इसे इरेज कर देते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट तो था ही नहीं हमारे उसमें, तो इसको इरेज कर रही हूँ मैं। बी पॉइंट ढूंढते हैं, बी पॉइंट कहाँ होगा, 4.2, तो x 4 एंड y 2, यानी पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है सो दिस इज पॉइंट बी 4.2। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज 4.6, तो x 4 एंड y 6, 6 कहाँ पर है, ये रहा y 6, ये देखो। अच्छा मुझे बताओ क्या कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं पॉइंट्स कैसे ले रही हूँ? बहुत इजी है। नो मैम मुझे नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बताओ बेटा, पॉइंट्स कैसे ले रहे हो? देखो ये जो सी पॉइंट है ना बेटा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4.6, तो एक्स आगे वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये एक्स की लाइन है और ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाई वाई एक्सिस की लाइन है। ठीक है तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो इस लाइन पर 4 ढूंढिए कहाँ पर है, ये रहा प्लस 4। ठीक है और वाई कितना लेना है हमें, 6, तो 4 के ऊपर ही चलते जाइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलरली चलते जाइए 4 के ऊपर, और कहाँ रुकना है आपको, जहाँ पर वाई 6 हो यहीं पर पॉइंट ले लेना है आपको, पॉइंट सी 4.6। अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक है अब डी पॉइंट लेंगे, डी पॉइंट कितना है 4.2.5, तो 4 x एक्सिस में 4 ही है और y पे कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है 2.5, तो 2.5 कहाँ होगा अब, 2.5 तो हमें नहीं पता मैम, 3 मैम 2 और 3 के बीच में, बीच में एग्जैक्टली 2 और 3 के बीच में आपको ये थोड़ी लाइट ग्रीन कलर की लाइन नजर आएगी, ये 5th डिवीजन होती है, 2 और 3 के बीच में 10 डिवीजन होंगी इक्वल, जिसमें से लाइट ग्रीन जो लाइन होगी वो होगी 5th डिवीजन। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका 4.2.5, तो ये डी पॉइंट है आपके पास। अब ये चारों पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं ए बी सी डी, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हाँ आप चेक कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ करके देखो, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखो। यस वेरीफाई हो गया कि चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस यस दीज पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, These points lie on a line. और ये जो ग्राफ आप बनाए ना ये वाला, इसको हम कहेंगे लीनियर ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर बने हुए सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सब बच्चों को समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. अब आप मुझे इसका सी पार्ट करके दिखाइए सब बच्चे अपनी नोटबुक में, जो ग्राफ पेपर आपके पास है उसमें आप ये मुझे सी पार्ट करके दिखाइए जल्दी से, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। कौन कौन कर रहा है इस क्वेश्चन को मुझे बताओ एक बार पहले। मैम मेरे पास बार ग्राफ तो है नहीं पर मैं नॉर्मली कर रही हूँ। अच्छा चलो वैसे रफली करके दिखा दो, वैसे ग्राफ पेपर आपको लेके बैठना था बेटा, मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ग्राफ पेपर की जरूरत आपको पड़ेगी। मैम था नहीं घर पे।
चलो बना के दिखाइए मुझे जल्दी, रफली बना के दिखा दो चाहे तो, बाद में उसे फेयर कर लेना। डन। अब इसके जो आगे की क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 3, ये तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री भी एक्चुअली काफी आसान है, क्वेश्चन नंबर फोर भी इजी है। चलो मैं इन्हें जल्दी से करा देती हूँ, आपको ये एक्सरसाइज हमारी आज ही खत्म हो जाएगी, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर। हाँ जी मैम, टाइम हो गया। टाइम हो गया ना, हाँ, लेकिन हमारे पास अब टाइम नहीं है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे, ठीक है।